पता ही होगा, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अच्छा डिफरेंशिएशन पक्का, कितने लोगों को लगा कि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन? अच्छा बाकी मतलब कुछ लोग मेरे फेवर में हैं अभी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन इतना फोर्स दे रहे हैं तो अपन इसको भी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, राइट है भाई। आइए साहब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा चलिए बात निकली है तो बात इसी रास्ते से होकर निकल जाए कि सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है क्या चीज। कोई बोलेगा कैलकुलस के पार्ट है, मैं कहूंगा नहीं, एक थॉट है। थॉट ये है कि अगर बाय द वे कोई वॉल, अगर बाय द वे वॉल समझ देना, कोई वॉल अगर बाय द वे ईंटों से बनी हुई है, ब्रिस्क बाय ब्रिस्क अगर बनी हुई है, तो उस पूरी वॉल से एक ईंट निकालना, लाखों में से एक छोटा पार्ट निकालना, वन यूनिटी निकालना, एक यूनिट निकालना, वो डिफरेंशिएट करना कहलाता है, ठीक है ना। सबसे छोटा भाग निकालना डिफरेंशिएशन करना कहलाता है, और ईंटों को जोड़ करके वापस वॉल क्रिएट कर देना इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इंटीग्रेट करने का मतलब भी आप समझते ही होंगे ना, अपन सुनते ही है ना कि लेट द नेशन इंटीग्रेट ऑन दिस, ठीक है ना, लोगों को या अपने देश को इस पूरी बात पर जुड़ने दो, है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समप करना, और डिफरेंशिएट का मतलब होता है सबसे छोटे पार्ट को बाहर निकालना। तो पहली चीज तो क्या है क्या नहीं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें फोकट की बातों पे नहीं आकर के, है ना, इसमें सबसे पहली बात पे अटैक करते हैं, और उसका नाम है ना डिफरेंशिएशन की स्टार्ट क्या है। डिफरेंशिएशन की स्टार्ट है फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट है भाई। अच्छा इसे हम लोग प्यार से एब इनिशियो मेथड भी बोलेंगे, ठीक है भाई, एब इनिशियो मेथड, ठीक है ना। अब ये जो एब इनिशियो मेथड है ये क्या चीज है, हम लोगों के डिफरेंशिएशन करने का पहला तरीका है। ये कहां से प्रकट हुआ, ठीक है ना, ये सारा जो है ये फॉर्म हुआ है फ्रॉम एबडेस एक्स। एबडेस एक्स क्या चीज है, एबडेस एक्स का मतलब सर डीओडिक्स, ठीक है ना। एक्चुअल में एबडेस एक्स जो भी है ना, वो सारा का सारा प्रकट हुआ है हमारे आरएचडी से, आरएचडी और एलएचडी से। अगर एलएचडी इक्वल टू आरएचडी होता है तो एबडेस एक्स दुनिया में आता है, तो कहना मतलब एबडेस एक्स का एग्जिस्टेंस होता है। तो एबडेस एक्स अगर एग्जिस्ट होता है, तो अगर किसी का एबडेस एक्स एग्जिस्ट है, किसी फंक्शन का अगर एबडेस एक्स एग्जिस्ट है, तो वो किसके बराबर है, एलएसडी और आरएसडी के बराबर है। क्योंकि आरएसडी में थोड़ा सा नीचे माइनस होता है ना, तो बच्चे को हल्की सी किरकिराहट रहती है यार, माइनस है नीचे, तो इसलिए वो ज्यादा किसको फेवर मारता है, आरएसडी को। तो इसलिए एबडेस एक्स का जो फार्मूला निकाला गया वो निकाला गया लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में कितना एच, और यही हमारी बेस बना, सही भाई, सबसे सिंपल सी बात है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है ना, एफडेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इतना है, ठीक है ना। अच्छा ये खेल क्या है वो भी बता देता हूं, ठीक है ना, इसके जो स्टेप्स हैं वो समझा देता हूं। पहले आप समझना भाई एब इनिशियो मेथड के स्टेप्स क्या है। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, मानेंगे नहीं हमारे को कोई वाई इक्वल टू एफ एक्स करके कोई फंक्शन देगा, क्या देगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स करके कोई फंक्शन देगा। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक छोटा सा चेंज करेंगे, किसमें, एक्स में, कैसे, छोटा चेंज का मतलब डेल एक्स, एक बहुत छोटा सा चेंज एक्स में चेंज करा, तो एक्स में चेंज करने की वजह से डेफिनेटली कर्व में भी आगे पीछे बढ़ना या घटना पड़ेगा, तो वो चेंज होगा वो वाई में रिफ्लेक्ट होगा, और वो छोटा सा चेंज वाई प्लस डेल वाई कहलाएगा, राइट है ना भाई। अच्छा जैसे ही ये प्रकट हुआ इसको आपने ए नाम दे दिया, जैसे ही ये प्रकट हुआ इसको आपने बी नाम दे दिया। अब आप एक छोटा सा काम करो, बी में से, है ना, ये तो स्टेप फर्स्ट हुआ, सेकंड आपने कर लिया, अब सेकंड थर्ड स्टेप क्या, बी में से आप ए घटा दो। जैसे ही b में से a घटाओगे तो घटाते ही क्या होगा, y से y घट जाएगा, और क्या बच जाएगा, मात्र डेल y, तो डेल y इज इक्वल टू हो जाएगा f x plus del x minus fx, कुछ कटेगा तो नहीं, नहीं ना, तो जैसा रह गया रहने देना। अब क्या करना, इसके तुरंत बाद में, राइट है, जैसे ही आपके पास में डेल y क्रिएट हो गया, डेल y के क्रिएट होते ही आपको फोर्थ स्टेप लेना है, डेल y को डिवाइड बाई डेल x करना है, राइट है भाई। अच्छा जैसे आप इसको डिवाइड बाय डेल एक्स करोगे, ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स
डिवाइड बाई ये भी डेल एक्स करवाएगा भाई। अच्छा जैसे ही ऐसा हो जाए आप आर एच डी तक पहुंच गए, ध्यान से देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब अपने को बस एक काम करना है और एफ डेस एक्स दुनिया में आ जाएगा, और वो क्या है लिमिट एच टेंस टू और एच तो है नहीं तो डेल एक्स टेंस टू जीरो, और लिमिट एक तरफ लगेगी नहीं लगेगी तो दोनों तरफ लगेगी, और अगर दोनों तरफ लगेगी तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो करते ही आपको जो इधर का मिलेगा वो क्या बन जाएगा एफ डेस एक्स। तो ये हो गया एफ डेस एक्स, एंड एफ डेस एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। ये होता है साहब आपका एफ डेस एक्स, है ना भाई। इसीलिए हम लोग ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक बहुत ही काम की चीज यहां छोड़ते हैं। पहली चीज समझना, फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए हम कहते हैं कि एफ डेस एक्स बोले तो डीवा बाय डीएक्स, सही ना। अब आप इसे ढंग से पकड़िए, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही कभी जिंदगी के अंदर अगर आपने डीवा डीएक्स को ढंग से नहीं पकड़ा तो ये उम्र निकल जाएगी, लेकिन आप कभी इसको समझा नहीं पाओगे दुनिया को कि होता क्या था। ये डीवा बाय डीएक्स बेसिकली डी अपॉन डीएक्स ऑफ वाई है, इट इज बेसिकली डी अपॉन डीएक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डीएक्स ऑफ एनीथिंग, डी अपॉन डीएक्स ऑफ साइन थीटा, डी अपॉन डीएक्स ऑफ साइन एक्स, डी अपॉन डीएक्स ऑफ कॉस एक्स, डी अपॉन डीएक्स ऑफ एल एन एक्स। हालांकि बोलेंगे हम डी एल एन एक्स अपॉन डीएक्स, लेकिन जानते हुए बोलेंगे कि ये डी अपॉन डीएक्स एक साथ है, बात समझ में आई, ठीक है। तो डी अपॉन डीएक्स, डी अपॉन डीएक्स का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया आपको, है ना। जब आप ये लिखोगे तो इट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। अब काम की भी चीज सुनेगा, इसकी वजह से आप कभी भी इसके दो टुकड़े नहीं कर सकते, नहीं यही समझ में। इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में हम कभी भी अगर ऐसा करेंगे, आने वाले टाइम में हम ऐसा करेंगे भी और बहुत आराम से करेंगे और आप रोकेंगे भी नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा आपके छोटे मोटे बुक्स में, हमारे छोटे मोटे नोट्स में, तो हम अगली लाइन के अंदर ऐसा लिखेंगे, हम कहेंगे इसको लिखेंगे डीवाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और डीएक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे साहब। और अगर ऐसा लिखेंगे, है ना, तब आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि सर आपने मना किया था कि dy और dx अलग अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि d upon dx एक पार्ट है, आपको अलग करना है y को, तोड़ो। नहीं आया समझ में? तब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली d upon dx खुद नहीं टूटता, है कि नहीं। ये रेशो नहीं है, लेकिन ये रेशो है। इस पूरी कहानी में कौन रन हो रहा है? इस पूरी कहानी में डेल वाई और डेल एक्स रन हो रहा है। नहीं है बात समझ? ये जो डीवाई और डीएक्स है ना, ये बेसिकली अंदर खाने में डेल वाई और डेल एक्स है। क्या आपको ये बात याद रहेगी? छोटी सी बात है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये बात समझ के चलना कि हम जब भी डीवाई और डीएक्स को अलग करेंगे तो इनसाइड स्टोरी ये है कि डेल वाई और डेल एक्स अलग हुए। अभी भी नहीं आया समझ में? अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इट इज नॉट अ रेशो। ये बात आपके पकड़ में आ गई, इट इज नॉट अ रेशो, ठीक है। वेयर एज दिस वन इज रेशो, सही है भाई। तो जब भी रेशो की तरह विवेक कराना हो, जब भी रेशो की तरह व्यवहार में लाना हो, है ना, इसे यूज करेंगे, अलग अलग करना, ठीक है ना भाई। कहानी पकड़ मांगी। इसी वजह से एक और पॉइंट भी यहां पे उठ करके आता है जो बहुत बहुत काम का है, लोग अक्सर इसको नहीं मिलाते, ठीक है, बीच में कहीं बता देते हैं, लेकिन ये नोटिसेबल है इसलिए मैं पहले नोट में डाल रहा हूं। क्या मैं सर डीएक्स अपॉन डीवाई भी कर सकता हूं? क्या मैं डीएक्स अपॉन डीवाई भी कर सकता हूं? एग्जैक्टली कर सकते हैं। डीएक्स अपॉन डीवाई को पढ़ेंगे कैसे? d upon dy of x, क्या मेरी बात पकड़ गए? अच्छा, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल y टेंस टू जीरो डेल x अपॉन डेल y। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि रेशियो है तो पलटा जा सकता है, रेशियो है तो पलटा जा सकता है, ठीक है ना। अब काम की बात सुनिएगा पॉइंट नंबर तीन पे, ठीक है ना। ये d2y by dx square क्या चीज है? d2y by dx square, it is basically d2 upon dx square of y। नहीं है आपको मेरी बात समझ में? इट इज डी टू अपॉन डीएक्स स्क्वायर ऑफ वाई। हालांकि पढ़ेंगे हम लोग डी टू वाई बाय डीएक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये गलती से भी रेशो नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट अ रेशो, किसी भी हालत में ये किसी के बराबर नहीं हो सकता, ये खत्म है खेल। इसका डेल वाई और डेल एक्स से कोई लेना देना नहीं, नो लिंक विद डेल वाई और डेल एक्स, कुछ ही लिंक नहीं है दूर दूर तक। बेसिकली इसे पढ़ना सीखिए, अभी से इसको बोलना सीखिए। अगर आपने एमओडी की स्टार्टिंग में बोलना नहीं सीखा तो कब सीखोगे? डी टू वाई बाय डीएक्स स्क्वायर का बेसिकली मीनिंग होता है डी अपॉन डीएक्स ऑफ डीवा बाय डीएक्स।
जो आपका डी बाई डी एक्स आ गया उसे दोबारा डिफरेंशिएट करना, नहीं आई आपको मेरी बात? हाँ, दोबारा डिफरेंशिएट करना इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कहानी पकड़ में आई या नहीं है आई? अगर आपको ये कहानी पकड़ में आई तो ऊपर आओ। क्या आप इस बात से भी सहमत हो जाएंगे कि मैंने इसको पलटा है इसमें? हाँ या ना? अगर मैंने इसे पलटा है तो दुनिया में मैं चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूं इट इज नथिंग बट वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। याद रखना, क्योंकि यहां तक रेशो था, लेकिन कभी भी गलती से मैं वन अपॉन डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये रेशो नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है डी टू डेल वाई और डेल एक्स से, ये रेशो नहीं है। ये दोनों बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी बातों को अभी से पक्का कर लो, क्योंकि बेसिक बातें सुनी हुई होंगी तो याद रह जाएंगी। ठीक है ना? आप पहले फटाफट से कॉपी कर लो, आगे चलता हूं। ठीक है, चलो भाई आगे, है ना? ये अगर आपने फटाफट से यहां तक कॉपी कर लिया हो रूल नंबर 4 तक, ठीक है, क्वेश्चन में आएंगे फटाफट। ठीक है, मैं आपको जरा फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन को करना सिखा दो। ठीक है, फिर आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो। नहीं? Yes, sir. पहली लाइन अच्छी लगी आपको? ठीक है ना भाई, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, ठीक है ना, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, y इक्वल टू साइन एक्स को पहले प्रिंसिपल से माने पहले तरीके से डिफरेंशिएट करके बताइए। क्या आपको पता है आंसर क्या आने वाला है? cos x, क्योंकि सबको पता है आंसर cos x ही आएगा, नहीं तो फिर लिस्ट कैसे बनी? तो किसी ने जब भी लिस्ट बनाई होगी तो इसी रास्ते से गया होगा, और उसने लिस्ट बना बना के रख ली, फिर कुछ प्रोडक्ट रूल डीम का फलाना सब आते गए। ठीक है, और कैसे हुआ दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने स्टेप 1 लिखा है y इक्वल टू fx लिखो, दिख रहा है आपको? तो y इक्वल टू sin x लिख लिया। सर फिर इसे आगे a भी दे दूं क्या? दे दिया। फिर क्या कहा था? साइन में एक्स की जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स चेंज करो, सामने वाले में वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा। उम्मीद है आप इसे बी बोलेंगे, पकड़ लिया बात को। फिर मैंने आपको बताया था तीसरे स्टेप में बी में से ए माइनस कर दो, तो आप जैसे बी माइनस ए करोगे, ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा? डेल वाई बच जाएगा भाई। इसमें से इसको लेस करते ही यहां रह जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, ये बच गया भाई। लगे हाथों एक स्टेप कम कर देता हूं, हाथों हाथ डेल एक्स से डिवाइड भी कर देता हूं, नहीं आई? हाथों हाथ डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। करने के बाद मैंने क्या कहा था? दोनों तरफ क्या काट लो? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इधर भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब जरा यहां समझना, आपको तो पता ही होगा ये क्या बन गया? डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बन गया? डी वाई डी एक्स। तब तक आप इस पर दिमाग लगाओ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इधर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है बराबर। ये आपको साइन सी माइनस साइन डी की फील दे रहा है। साइन सी माइनस साइन डी का मतलब होता है टू कॉस साइन, टू कॉस साइन, राइट है भाई? डिवाइड बाई नीचे चल रहा है डेल एक्स। बड़े ध्यान से समझना है, साइन सी माइनस साइन डी में इन दोनों का सम बाई टू करते हैं, तो इन दोनों का सम हो जाएगा एक्स प्लस टू डेल एक्स, डिवाइड बाई टू करते ही हो जाएगा एक्स बाई टू। श्योर है भाई? नहीं चेंज है? हाँ बताइए क्या करना है? एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू, गुड, एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई टू। श्योर? अच्छा, जब मैं डिफरेंस करूंगा तो एक्स और एक्स कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? डेल एक्स बाय टू। अच्छा, आप में से अगर किसी को दर्द नहीं हो तो इस टू को मैं नीचे कॉल दे दूं, कॉल देते ही आप में से कईयों को दिख जाएगा साइन डेल एक्स बाय टू अपॉन साइन डेल एक्स बाय टू, ये बन गया वन। वन बनते ही कब वन बना? जब मैंने लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो रखी। अगर मैंने डेल एक्स की जगह जीरो यहां भी रख दिया तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस जीरो, सोच लिया आपने, इंटू वन भावार्थ कॉस एक्स, और इधर वाला क्या बन चुका है? डीवा बाय डी एक्स। तो फाइनली डीवा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्राप्त हो गया, राइट है? ट्राई तो कर लेंगे ना आप, और कुछ नहीं कर पाए तो यहां तक तो लगा दोगे, है ना? इतनी दूर तक तो लगाई दो, घटा करके डेल एक्स का डिवाइड और लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, सब पूरी तैयारी कर रखी एकदम। ठीक है, बस आप आ जाओ सॉल्व कर दो इसे। डिफरेंशिएट कर लें आप, b माइनस ए करा है, हो
थोड़ा मैंने आप में से कई दूर बैठे हुए बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी शायद, लेकिन कॉस सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी लगाया और कुछ नहीं कराया, आप कर सकते हैं तो कर लेना। लिख लिया, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है, बाय, ठीक है ना, ab initio मेथड करिए, y इज इक्वल टू e की पावर x को डिफरेंशिएट करके बताइए। हाँ भाई, हो गया आपका आंसर, आ गया, कितने लोगों का, जितनों का आता था जवाब देते जाना, अरे वेरी गुड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जनों का आ गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 16, 17, 18, 19, 20, क्या बात है, 21 भी आ गया, 22, 23, 24 बढ़ रही है संख्या, 25, 26 बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना भाई, उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें आपको दुखती नहीं होंगी। e की पावर x को आपने a मान लिया, e की पावर में x की जगह पर x प्लस डेल x कर दिया या y प्लस डेल y हो गया, इसे आपने b मान लिया, सबको पता है b में से a लेस करा, e की पावर x प्लस डेल x माइनस e की पावर x अपॉन में नीचे डेल x है ना, और यहाँ लिमिट डेल x टेंस टू जीरो लगा दिया, इधर की तरफ डेल y बचा था घटने के बाद, जिसके नीचे डेल x लगा दिया और लिमिट डेल x टेंस टू जीरो कर दिया, इधर की तरफ dy/dx बनने की तैयारी में है, तब तक इधर आ जाता हूं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्या आपको पता है ये लिखा हुआ है, ये लिखा है e की पावर x इंटू e की पावर डेल एक्स, और दोनों में कॉमन आ जाता है e की पावर x, तो e की पावर x अगर कॉमन आ गया तो यहां बचेगा e की पावर डेल एक्स माइनस वन अपॉन में नीचे कितना डेल एक्स, और ये कितना होता है वन, तो जैसे ही लिमिट लगेगी वो इस पे लगेगी, तो यहां से बच जाएगा e की पावर x, तब तक इधर क्या बन चुका होगा dy/dx, सही ना भाई, तो आपको ये तो समझ में आएगी होगा, ऐसे ही कभी जिंदगी के किसी कोनों पर लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर करके लिस्ट बनानी चालू करी होगी, सही है। अच्छा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, क्या आप यहां तक की बात समझ गए, है ना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना भाई, अगर मेरे को y इक्वल टू टेन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने का मौका मिल गया तो मैं आपको तो सीधा लिमिट डेल x टेंस टू जीरो पे लेके चल रहा हूं, क्या आप में से कोई इतना तेज चल सकते क्या, सोच लिया आपने, हाँ क्यों फोगट में a को b से कब तक घटाएंगे बेचारे को, ठीक है, कौन कौन सोच पाएगा, देखें कितने जने बताएंगे, नीचे डिनोमिनेटर बता दो सबसे भारी काम, डेल एक्स, देखा आप सीख गए, ठीक है, नीचे डेल एक्स, ऊपर की तरफ आया होगा जरूर टेन इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा जिनको ये समझ में आ गया वो जानता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, नीचे डेल एक्स कोई रोक नहीं सकता, ऊपर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बन रहा है, फार्मूला याद आया, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, वन प्लस ए बी ए बी ए बी, टेन ए टेन बी नहीं, वन प्लस ए बी, तो टेन इनवर्स को कर दूं बाहर, सही है भाई, बड़े ध्यान से सुनिएगा, टेन इनवर्स ए माइनस बी माने एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, दिखा आपको ये बन गया ए माइनस बी, सोच लेना आप तो, ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, ए बी का मतलब दो चीजों की मल्टीप्लाई, तैयार है साहब, ये इतना छोटू छोटू लिखना है यार मेरे को, एक तो पहले मेरे को लिखा ही नहीं जाता छोटा, ठीक है, और ये देखो तेज लिखते तो ये ठीक है ना, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना ए माइनस बी, ऐसा कुछ लिख रहे थे आप लोग, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इधर एक्स और इधर एक्स प्लस डेल एक्स, क्या कहते हो आप, नहीं आया क्या, ये बात समझ में आई, अपॉन में आप किसका वेट कर रहे हो, डेल एक्स का, लेकिन मैंने आपका वेट थोड़ी देर के लिए बढ़ा दिया, इसे जान करके दिया सेम बाई सेम,
याद आया, टेन इनवर्स को क्या चाहिए? सेम बाई सेम, ताकि क्या बन जाए? वन. तो इसे सेम बाई सेम देने का मतलब हो गया डेल एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटो एक्स प्लस डेल एक्स. दिला दो भाई, नहीं आया? आप में से कितने लोग जानते हैं उसमें डेल एक्स तो सर पढ़ा ही था. इसका मतलब आपने अपने घर से क्या लगा रखा है, वन अपॉन ये. तो यहीं के यहीं हाथों हाथ बैलेंस कर दो, वन प्लस एक्स इंटो एक्स प्लस डेल एक्स. क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो आपको तो पता ही होगा ये क्या बन गया, वन. ये तो हट गया. अब आप बताओ किसकी जगह जीरो रखोगे? डेल एक्स की जगह. डेल एक्स की जगह जीरो रखते हैं, एक्स प्लस जीरो एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन. और पूरी कहानी में वन तो ही ऊपर, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. इसीलिए डी वाई डी एक्स बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, वन अपॉन. नहीं आया समझ में? कोई जवाब नहीं. खुश हो लेते हैं हम. दो चार बच्चे चिल्ला कर आ गया ना आपको, बाकी परवाह मत करा कर. हाँ भाई, हालांकि ये एक तरीका है, कुछ लोग इसे ऐसे भी कर डालते हैं जैसे एक्स. अरे यार, एक तो मेरे से ये दो दो मेथड बताना है ना, मेरे को इतना फर्जी काम लगता है ना, ये झांकी नहीं दिखाई जाती मुझसे, है ना, कि इतना आता है मुझे. मेरे को बिल्कुल नहीं दिखाई जाती, सीरियसली कह रहा हूं, मेरे से नहीं दिखाई जाती है. ठीक है, कितना आता है वो तो टाइम बताता है भाई, जिस दिन आईआईटी का पेपर सॉल्व होता है किसने किए क्वेश्चन. ठीक है ना, फोकट के काम नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं हो, बायो का टीचर नहीं है अपन. ठीक है, हाँ अच्छा लगता है, ये मेथड है बेस्ट मेथड बेटा, तू ट्राई कर लेना, बाकी किताबें पढ़ी ना इतनी, है कि नहीं? घटा लो इसमें से, इसमें से घटाया तो कितना डेल एक्स, इधर कितना बचेगा वाई प्लस डेल वाई माइनस टेन वाई. मैं इसलिए सिखा रहा हूं, गजब की चीज देखना, बड़ा जबरदस्त चीज है. सोच लिया आपने? अरे ये क्या, ये कैसे, ये क्या लिख दिया सर? सोच लिया आपने? क्या बात कर रहे हो, क्या किया उसको, वहीं छोड़ा उसको, उधर फेंक दिया, सोचा आपने? अच्छा, आप में से कई लोग सोच गए होंगे कि इधर फिर नीचे क्या आएगा, इधर नीचे क्या आएगा, लिमिट सिमिट आपके दिमाग में आई गई होगी. मैं मिटाऊंगा वैसे भी, आप चिंता ना करें ना, तो आप में से कोई टेंशन नहीं ले. आगे क्या करोगे? टेन ए माइनस टेन बी करके कोई फॉर्मूला नहीं होता, सोचा आपने? टेन ए माइनस टेन बी करके कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये भी सोच के चलना आप तो. टेन ए माइनस, एक मिनट, एक एक जना आपकी तरफ से दिमाग का बिल्कुल एकदम जबरदस्त यूज, तुक्का मारो, मैथ्स का मतलब ही तुक्का है. हाँ बोलो, टेन ए माइनस बी लगाओगे? टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके. आपको नहीं लगता इसका क्या कर बैठोगे आप, दही का अचार हो जाएगा, सोचो. हाँ वही तो, हाँ चक्कर आया ना एक बर्गली तो आपको. हाँ मैं यही चाहता था, अरे दर्द तो पैदा हो. सही है, इसकी जगह ज्यादा बेहतर है कि आप में से कोई इसको साइन अपॉन कॉस में बदले, साइन सी प्लस साइन डी में लेके जाए, बड़ी ध्यान से. हाँ लेकिन सुन तो लो, आप में से कई लोग जो डर रहे हैं उनको लेकर के चल रहा हूं ना, क्यों चिंता कर, क्योंकि सुनो जबरदस्त चीज है. क्या आपको दिखा ये साइन अपॉन कॉस? आंखों में देखना, आप अपन खत्म आंखों में कर लेंगे. देखो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, एलसीएम कॉस कॉस, इधर गया कॉस, सही, उधर गया साइन, इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन, तो ये हो गया साइन कॉस माइनस कॉस साइन. साइन ए माइनस बी लग गया, साइन ए माइनस बी दिखने लग गया आपको. साइन ए माइनस बी में क्या हुआ, वाई वाई कट गया, साइन डेल वाई रह गया. अब आप में से कई लोगों को ऊपर दिख रहा है साइन डेल वाई, दिख गया आपने, अपॉन में नीचे डेल वाई, खुशी मना रहा है. इंटो में कितना कॉस, ब्रैकेट में वाई प्लस डेल वाई इंटो कॉस वाई, सोच लो. अरे ये पार्टी जो बच गया वो पहाड़ है, इसका क्या करोगे सर, ये किसका क्या करोगे? आपको क्या दिख रहा है नीचे बचा हुआ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि डेल वाई तो जीरो है, ये कॉस वाई और कॉस वाई. आगे क्या करोगे सर? मैंने कहा ऊपर जाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, टेन वाई इज इक्वल टू एक्स है, एक्स को एक्स बाई वन देखेंगे. ठीक है ना, ये एक्स दिखेगा, ये वन दिखेगा, दुनिया को अंडररूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा. सही है, कॉस वाई की वैल्यू वन अपॉन अंडररूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होगी. कॉस वाई की वैल्यू सोचना वन अपॉन अंडररूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होगी, और आपके पास नीचे कॉस स्क्वायर वाई है. लिख गया क्या? नहीं दिखा तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, फिर चेंज मार दूंगा खटाक से, आंसर आ जाएगा. नहीं है ऐसा भी? देखो आप में से कई लोग फड़फड़ा गए थे इस लोग पे, करना क्या है ना, डरना किस बात का है? ठीक है, वो अलग बात है. मैंने पहले बोला ना, हम लोग ये इतने मेथड एक्चुअली एब इनिशियो आपके कब आता है काम में? एब इनिशियो आपकी 11th में,
हाँ आपके 11th में, ये आपके 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बताओ कि मैं इस पे चार क्वेश्चन करा करके सिवाय झांकी के क्या दिखा रहा हूं, समझ रहे ना? मैं कुछ नहीं कर रहा, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर बात कर सकते हैं, प्रूफ, ठीक है। एफ जी का डैश इज इक्वल टू एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, इसे प्रूफ कीजिए। किसी ने कहा कि सर इसे प्रूफ कीजिए, ठीक है ना, बात करें सीधी सीधी बात। आप में से कोई अगर बाय द वे इस पे करना चाहे तो रेडी, एक बार के लिए मैं आपके सामने इसे एच डैश एक्स लिख रहा हूं, जो इधर एफ डैश एक्स आएगा उसे एच डैश एक्स लिख रहा हूं। अगर आप दूर तक बॉल देख सकते हैं, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है आप में से कई लोगों की आंखें खुल गई हैं, तो आप पहली लाइन देखना, मैं डेल एक्स नहीं लिख रहा, आपकी पसंद की चीज लिख रहा हूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सोच लिया आपने। मैं इसका एलएचएस उठा रहा हूं, मेरे पास फंक्शन है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। मैं यहां लिख रहा हूं एफ, सोचने वाला समझ जाएगा थोड़ी देर बाद, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच। सोचने में आया थोड़ा थोड़ा, आ गया थोड़ा थोड़ा, यहां तक की बात पकड़ में आ गई नहीं है क्या? आपको पता है ये क्या लिखा मैंने, एक्स प्लस डेल एक्स है ना, आर एच डी का फंडा लिख डाला। अच्छा, कितने लोग मेरे को उल्टा बता सकते हैं एच एक्स कौन है? एफ एक्स इंटू जी एक्स है, सही है। तभी एच डैश एक्स जो क्रिएट करेगा वो इसका डेरिवेटिव क्रिएट कर देगा। अभी भी नहीं है, मैं थोड़ा सा शायद तेज चल रहा हूं, लेकिन मेरे को है ना इसको वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि टफेस्ट चीज क्या है, ठीक है ना। वो समझ में आ जाएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अपन इतनी दूर भी बॉल फेंक सकते हैं भी बहुत जरूरत पड़े तो। अब क्या है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो इसका प्रॉपर तरीका, ठीक है ना, एरिया से आता है, लेकिन आप एरिया वेरिया छोड़ो, आपको तो ऐसे ही बोल देता हूं, ठीक है ना। आप तो बहुत ही समझदार हो, आप सोच सकते हो कि क्या हो गया, देखें कितने लोग सोच पाएंगे। माइनस में एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच, सोचना, प्लस में एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच, सोचना, माइनस में एफ एक्स इंटू जी एक्स, सोच लेना, अपॉन एच, सोच लिया होगा। क्या आपको पता है मैंने क्या किया, कुछ जोड़ा कुछ घटाया, सही है ना भाई? क्या आपको नहीं लगता है इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा? क्या कॉमन आ जाएगा बताएं, जी एक्स प्लस एच ले लू बात। आप में से किसी को इतराज नहीं हो तो जी एक्स प्लस एच के कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच गया वो बता दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में नीचे एच, इसके नीचे आए या इस पूरे के नीचे आए, एक ही बात है, सही है ना भाई? और लिमिट एच टेंस टू जीरो चल ही रहा है, ठीक है। अब आप मिस कर रहे हो कि सर अब आप पीछे वाले के बारे में भी कुछ बोल ही दो, इसमें क्या आपके दिमाग में आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कितना एफ एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर ही अंदर बच रहा है जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन कितना एच, क्या आप ये बात पकड़ गए? अच्छा, और लिमिट एच टेंस टू जीरो तो इसके साथ भी रन हो रहा है, क्या आप ये बात पकड़ गए? आप में से किसी को पता हो तो अब की बार आर एच डी इस पे लगा है, सोच लिया, और आर एच डी इस पे भी लगा है, सोच के जवाब देना। एच की जगह जीरो रख रहा हूं, एच की जगह जीरो रखते ही जी एक्स, इसको प्यार से बोलेंगे एफ डैश एक्स, नहीं है इसे बोलेंगे एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स ही है, इसे बोलेंगे क्या? मैंने प्रूफ कर दिया क्या? क्या आपको लगता है कि मैंने प्रोडक्ट रूल प्रूफ कर दिया? सही है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, सही है, ठीक है, कर लें, ठीक है। इसका मतलब किसी ने प्रोडक्ट रूल तक प्रूफ करा था, ये कोई बता के नहीं गया, नहीं ये बाइबल के लास्ट पेज पे नहीं लिखा था, गीता के आखिरी पन्ने पे कहीं तो लिखा होगा, नहीं यार ये सब अपन ने किया है यार, सब अपन लोगों ने किया है, अपने जैसे लोगों ने फोकट या लोगों ने खाली बैठे थे, चल कुछ नहीं है कि नहीं, बहुत साइन कॉस कराते हो तुम लोग, लो आज एफ एक्स इंटू जी एक्स ही कर डाला, ठीक है। फिर उसने अपने दोस्त को दिखाया, दोस्त का इतना दिमाग खराब हुआ कि ये मेरे से आगे, मैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स करूंगा, उसने वो कर डाला, नहीं
सब उस टाइम की बातें ना, सब जब 1700 के आसपास, जब यहाँ पे औरंगजेब एक के बाद एक मंदिर ढाने में लगा था, उधर पेशवा दैड़ 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 चिपकाने में लगा, हम यहाँ तलवारें टनटना रहे थे, उधर वो एक के बाद एक बुक्स पे बुक्स सोचे जा रहे थे। हाँ ये तो, वो तो एक बार में जो तबाही मचाई, मार मुरा के चले गए, ठीक है। ये तो हर साल मारने के लिए आए हैं। नहीं, अगर भाई दुबे आप सोचो कि अगर DYBDX नहीं होता तो सर मेरा क्या बिगड़ जाता, अगर DYBDX नहीं होता तो ये शायद हमारे टाइम की बात है, 2000 नहीं और पीछे चलते हैं थोड़ा, 1996 के आसपास की बात रही होगी, ठीक है ना, मतलब तकरीबन 20 साल पुरानी बात रही होगी, जब पहली बार हम लोगों के पास में हबल टेलीस्कोप आया था और हमें पता चल चुका था कि जुपिटर पे इस बार जबरदस्त अटैक होगा, ठीक है ना, किसका, मेट्रॉइड्स का, और हम लोगों ने परफेक्ट कैलकुलेशन कर रखी थी, परफेक्ट कैलकुलेशन कि इतनी देर में नीचे पहुंच जाएगा। तो मेट्रॉइड का DYBDX क्या लेना देना, मेट्रॉइड हमारे लिए टेंजेंट्स हैं, वो हमारे लिए सर्कल था, तो टेंजेंट सर्कल से मैंने कर्वेचर से कब मीट करा, ठीक है, हमने एग्जैक्ट DYBDX से पोजीशन काउंट कर रखी होगी, और ये सारी बातें हम लोगों दिमाग में आ गई। सोचो 1996 जब हमारे पास इतने बढ़िया कंप्यूटर्स भी नहीं थे, इंटरनेट नहीं आया था मार्केट में, ठीक है ना, जियो की सिम भी नहीं थी। आपने इस बार पे गौर किया, इस बार रिजल्ट कितना खराब गया है जगह जगह, सबका एक ही कारण है, इतना विकिपीडिया पढ़ा बुक्स को ले लेकर के, हर बात की इतनी गहराई में उतर गए कि ना बुक्स ही खत्म नहीं हुई। चलिए आगे चलें, ठीक है भाई, ये हो गया अपना प्रोडक्ट रूल का प्रूफ। क्या मैं इसको और भी अच्छे से लिख सकता था, आपने सभी समझ गए होंगे, लेट HX इज इक्वल टू FX * GX, ढीम का फलाना सदा जो के सब लिखता था, लेकिन मैं कुछ नहीं लिखा, उम्मीद है आप पकड़ गए, कहां है तुम्हारा, हाँ भूल गए, अरे ये बात भूलने वाले थोड़ी ने, चले आगे चले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये तो हुआ हमारा सब कुछ टाम टीम, है ना भाई। अच्छा आइएगा साहब, अब अगले पॉइंट पे बात करें, डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए साहब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमारे को याद रखने चाहिए, उनमें से पहला है ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल, ठीक है भाई, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल सीधी सी बात कहता है कि, छोटे में लिख दूं पहले, समझ में आ गया, F into G का डैश इज इक्वल टू FG डैश प्लस GF डैश, क्या भी बात समझ गए, है ना। इसे मैं अगर चाहूं तो लेबनीज वे में भी लिख सकता हूं, ये कौन सा वे है ना, U into V, समझ रहे मत को, अगर U into V का डिफरेंशिएशन करने को मिल जाए और दोनों वेरिएबल हो, तो हम पहले U को बाहर कर देते हैं और V का डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर V को बाहर कर देते हैं और U का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आप ये बात समझ गए, बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही बात है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट, क्या सर प्रोडक्ट रूल सिर्फ दो पे ही काम करता है, नहीं ये तीन पे भी काम करता है, ठीक है ना, चलिए इस पे भी बात करते हैं, प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शंस। प्रूफ तो मैंने कर ही दिया है ना, तो इसका मतलब सही है, प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शंस, तीन तीन फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, ठीक है, आइए, अगर मान लीजिए किसी ने हमारे को डी अपॉन DX ऑफ, ठीक है ना भाई, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू दे डाला, तीन तीन फंक्शन दे डाले जो तीनों वेरिएबल है, तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, एक दो को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, यू और वी को बाहर निकाल देंगे और डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगली बार यू और W को बाहर निकाल देंगे और V का डिफरेंशिएशन करेंगे, सही भाई, और लास्ट में W और V को बाहर निकाल करके U का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आप मेरी बात समझ गए, नहीं है ये बात, अगर आपको मेरी ये जबरदस्त बात समझ में आ गई है तो मैं आपसे इसको F G H में पूछ लूं, कोई मेरे को बताएगा इसका मतलब होता है F G H डैश प्लस F
जी डैश एच प्लस एफ डैश जी एच, क्या आप ये बात पकड़ गए? ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट रूल है, सही है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, कई बार आपको परेशान करने के लिए, ठीक है ना, सम टाइम टू मेक यू अनॉयड, ठीक है ना, क्या करते हैं लोग, एफ इंटू जी इंटू एच का डैश इज इक्वल टू, में कुछ लोग इसे 1/2 इंटू एफ जी का डैश इंटू एच प्लस एफ जी एच का डैश प्लस एफ एच का डैश इंटू जी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई कोई चकरा सकता है, सर पहले तो ये 1/2 ही नहीं समझ में आया कि क्या है, राइट है भाई, बात समझ में आई आपको? नहीं आई है ना। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि मैंने क्या बोला, तो इसके ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या करते हैं, कैसे हुआ सर ये? भाई आप क्या जानते हो, आप तो उस पर ही दिमाग लगाओ, आप फोकट में इस पर दिमाग मत लगाओ कि चाहता क्या है सामने वाला। आप कितना जानते हो कि एफ जी एच का डैश क्या होता है, तब आपको पता चलेगा। ओरिजिनली तो सर मुझे सिर्फ इतना सा पता है, एफ जी एच डैश एफ जी डैश एच प्लस एफ डैश जी एच, सर मैं तो इतना ही जानता हूं। अच्छा, दूसरी बात, आपको जानते समय ये पता है कि 1/2 बाहर बैठा है, तो आप भी 1/2 बाहर बैठा दो। सर ऐसे कैसे बैठा दो, फिर तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेना, तेरे क्या जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर ले। तो 2 एफ जी एच डैश प्लस 2 एफ जी डैश एच प्लस 2 एफ डैश जी एच, यहां तक हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं। इसको जैसे कितनी बार लिखा है, दो बार, तो दो बार लिख दे। अच्छा चलो लिख देता हूं, एफ जी एच डैश लिखते टाइम पे स्मार्टनेस दिखा क्या, इसी को दो बार मत लिख, चलो एक बार लिख ले। क्यों, क्योंकि तेरे को कैसे पता कि स्मार्टनेस दिखानी है ना, ठीक है। अच्छा, यहां कितना, एफ जी डैश एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ डैश जी एच प्लस एफ डैश जी एच, क्या आपको यहां तक पकड़ में आ गया? अब जरा देखेगा, इन दोनों को कॉर्नर कर लो कि भाई एक मिनट इधर आना, ठीक है। आप में कुछ हमारे को ऐसी फील आ रही है कि एफ कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर ही अंदर है ना, जी एच डैश प्लस जी डैश एच, माने जी एच का डैश वाली फील आ रही है, क्या आपको भी आ गई क्या? अच्छा जरा इन दोनों को कॉर्नर करना, एक मिनट इधर आओ, कॉमन क्या आ जाएगा, एच। एच तो दोनों में नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल एच है, तो अपन एच कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहां से बचेगा एफ जी डैश और यहां से बचेगा एफ डैश जी, एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी इज इक्वल टू एफ जी का डैश, सही। बचे कौन, पहले और आखिरी, अगर उनमें देख रहे हैं तो कौन, जी दोनों में नॉर्मल है भाई, सही है ना भाई, तो क्यों ना मैं क्या करूं, जी भी कॉमन ले लेता हूं, उधर से बचेगा एफ एच का डैश और एफ डैश एच, बोले तो एफ एच का डैश, क्या आप मेरी बात पकड़ गए? अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई तो इक्वल टू 1/2 हो गया प्रूफ, सही है नहीं है? अगले पे चलेंगे। अच्छा, मतलब इसका भी खत्म कर दिया है सब खेल। हाँ, पॉइंट आउट करते हैं अगले पॉइंट को, तीसरा पॉइंट, एंड दैट इज कोशेंट रूल। सही भाई, ये कोशेंट रूल क्या चीज है, आइए इस पे बात करते हैं। क्या मैं आपको बोलूं कि कोशेंट रूल याद है किसी को? डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू बाई वी है। कितने लोगों को पता है कि नीचे वी स्क्वायर तो होगा ही होगा, नीचे क्या होगा, और जिसका स्क्वायर होगा वो चुपचाप बैठेगा, जिसका स्क्वायर होगा वो चुपचाप बैठेगा ऊपर, और पास में यू का डेरिवेटिव माइनस फिर यू साइलेंट वी का डेरिवेटिव। एक मिनट, अगर आपको ये बात जबरदस्त समझ में आ गई है तो एक बार के लिए जरा दोबारा हो जाए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों से एमओडी पूरा खत्म होने के बाद अगर पूछ लो ना पेपर में, तो पहले दो तीन दिन पहले पहले पेपर में तो यही पूछना चाहिए, राइट डाउन प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर थ्री, प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शन। और अगर भाई दे बच्चा ये दे पाए तो ही उसे पेपर दो, वरना दे ही मत, पेपर ही मत दो। नहीं आया,
संडे को टेस्ट है, सोचो कितना। और फिर है ना इसका इसका सारे का फोल्ड करके, आंसर वंसर फोल्ड करके, ठीक है, और आपके दिवाली से जस्ट पहले घर पे पहुंचा दिया जाए। क्या आप लोग प्रोडक्ट रोल नहीं कर पाया, हाँ कि पता नहीं कहाँ खोया रहता है इसका, कुछ कराओ आप। ठीक है, बैच ए टू ए फाइव टुमारो, कंप्लीट शीट डिस्कशन बाय जीबी सर। सही है भाई, पढ़ना बिल्कुल मन से चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, अच्छा टाइम भी बताऊं क्या? बता तो दिया था, मुझे लगा कि तुम लोग 7:20 से लेकर के 8:50। हाँ भाई, कितने लोगों को अभी भी पता है इस सारी बातचीत के बाद में भी कि नीचे फिर V साइलेंट, V स्क्वायर है वही साइलेंट इंटो U डैश माइनस V इंटो U का डैश। सही भाई, चेंज कर दो U इंटो V का डैश। सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने ये जबरदस्त बात समझ ली है वो मुझे हाथों हाथ, ठीक है, डिफरेंशिएट करके बताने वाले हैं। ठीक है, दे रहा हूं e की पावर x अपॉन साइन x को, e की पावर x अपॉन साइन x को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके मुझे लिख दो। ठीक है ना। खैर, जिन लोगों ने ये कर लिया और अभी u by v नहीं पहचान पाए, ठीक है, उन्हें बता देते हैं, ऊपर वाला u नीचे वाला b है, और अगर देखा जाए तो ये v का स्क्वायर है, इसका मतलब साइन स्क्वायर x साइन x। सही भाई, क्या आप मेरे लिए चिल्लाए? अच्छा चलो, खुद के लिए। अच्छा अब ये देखे, साइन x इंटू v u का डैश, u का डैश माने e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस u साइलेंट माने e की पावर x साइलेंट, v का डैश माने cos x। भाई बात समझ में आई गई होगी, क्या आप इतनी छोटी बात पकड़ गए? अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूं, है ना। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इतना स्मार्टली सब चीजें करने के बाद में भी, ठीक है, मतलब आप जो कर रहे हैं एकदम एग्जैक्ट है, आपने कोई गलती नहीं करी, ठीक है ना भाई। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसको देने के पीछे मेरा सिंपल सा पर्पज है, बिना लिस्ट के जाने आपकी नॉलेज कैसी है, बस इतना सा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। सही है भाई, अच्छा आगे लिख देते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, थोड़ा बढ़ा देते हैं मामले को, तो आप जब डिफरेंशिएट कर लें, कर लेंगे ना यू बाई वी, तो यू बाई वी करने के बाद आप एक्स की जगह पाई बाई टू रख देना बस आप, ठीक है, फटाफट से ट्राई करो आप, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम करो, धीरे धीरे हो जाएगा। अब आपने ध्यान से देखेगा, जब आप इसने डिफरेंशिएट करा तो डिफरेंशिएशन में पक्का आपसे वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हुआ होगा। जैसे कई बच्चे इसमें चकरा जाते हैं कि वन का स्क्वायर करूं कि साइन का करूं, दोनों के बाहर करना है ना। नहीं, ये एकदम नॉर्मल बात है, इस जगह मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा, बिल्कुल मजाक नहीं बना रहा, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सच्चाई है, बस वो उस जगह बुरा लगता है यार, तू फॉर्मूला तो लगा लेता, ठीक है, कम से कम पास तो हो जाएगा बोर्ड में। ठीक है, वन माइनस साइन एक्स साइलेंट, फिर वन माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, रुको 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 रुको, वन माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, और माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, अगली बार माइनस, फिर अब वन माइनस कॉस एक्स साइलेंट। सही है भाई, पहली बार ये साइलेंट, ठीक है, अगली बार वी साइलेंट, और पास वाले का डिफरेंशिएशन, वन का जीरो और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। अब आप इसके बाद में जब आप इसके अंदर एक्स की जगह पाई बाय टू रखना है तो कॉमन वॉमन मत लो, आप डायरेक्ट रख दो। जब आप एक्स की जगह पाई बाय टू रखोगे तो ये वन माइनस वन बन जाएगा, साइन पाई बाय टू वन होता है, इंटो वन माइनस के अंदर वन माइनस कॉस पाई बाय टू जीरो हो जाएगा, लेकिन कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, इट इज नथिंग बट जीरो अपॉन में नीचे वन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा ये जीरो, वन माइनस वन जीरो, वो जीरो, ये जीरो, तो फाइनली इट इज जीरो बाय जीरो। ये क्या हो गया सर, डी ओवर डीएक्स भी जीरो बाय जीरो आता है क्या, है ना, इसे बोलते हैं डी ओवर डीएक्स जीरो बाय जीरो आ जाए, इसका मतलब डी ओवर डीएक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आपको एक पायदान और ऊपर करना चाह रहा था लगे हाथों, क्या क्या आपको वैल्यू पुट करनी आ जाए एक बात,
और दूसरी बात आपको मैं यही एक नियम भी सिखा दूं कि ये जो वैल्यू पुट करने का खेल है ये आप हमेशा डोमेन देख के ही खेलें। आप में से कईयों को नहीं पता कि इसका डोमेन आपको पता होगा, ठीक है, अब कि इसका डोमेन 1-sin x को जीरो नहीं चाहता, नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब साइन एक्स को वन नहीं चाहता, इसका मतलब एक्स को गलती से भी, तो आपने क्या कर दिया, इसका डिवाइडेड x निकाल करके वो वैल्यू पुट कर दी जो इसके डोमेन में नहीं है, तो आपके साथ चोट होनी थी, ठीक है ना। तो याद रखना बिफोर फाइंडिंग f डैश a, डिवाइडेड x नहीं, f डैश x नहीं, f डैश a, चेक वेदर x इज इक्वल टू a एग्जिस्ट इन डोमेन और नॉट, ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। बहुत ही काम का नोट है, छोटी बात जरूर है लेकिन मेरे को लगे आता सिखानी है आपको, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊं, लगे आता खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। क्या है, बिफोर फाइंडिंग एफ डैश ए ऑलवेज चेक दैट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट इन डोमेन और नॉट। क्या आपका जो एफ डैश ए आ रहा दिया गया है उससे पहले हमेशा चेक कर लें कि आपका x इज इक्वल टू ए डोमेन में आता भी था कि नहीं आता था, अगर नहीं आता तो डीवाइड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होना ऑब्वियस था, राइट है। चलिए अब जिन्हें ये बात समझ में आ गई है ना, उनके लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन चलेगा ये बात, है ना। चलिए देखें कौन मेरे को बता पाएगा x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बता देंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, देन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फटाफट आइए, ठीक है, करो करो करो। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, याद है एफ और जी, सही है, ये हमारे लिए एफ है और ये जी, तो आपसे एफ जी का डैश पूछा जा रहा है, फार्मूला नहीं याद हो तो लिख लेना पहले फार्मूला फिर भरना, प्राइमरी कॉल हमेशा धीरे धीरे उठाओ, आप नहीं आता तो कोई डरने की बात नहीं है ना। दूसरे जितने जवाब दे रहे हैं उनसे आपको पीछे नहीं होना, अगर आप पीछे होना है तो पहले तय कर लो, आप खाली बैठ दो फिर आप फिर कॉपी कर लेना, लेकिन जब तक आपका काम नहीं बने आपका पीछा करना काम है, आपका काम था आपको क्वेश्चन मिला था आपने आंसर बनाया कि नहीं बनाया, दूसरे ने बना दिया नहीं बनाया भाड़ में गया, क्योंकि अगर आप पहले पांच क्वेश्चन में ही अगर आपने ये काम कर लिया तो आप बाकी में भी यही करने वाले हैं, कर लिया हाँ, ऐसा नहीं हो जाए कि आईआईटी पूरी निकाल ली लेकिन नहीं डिफरेंशिएशन नहीं आता छोरे को, ठीक है, एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या करना है, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स, समझ में आया, तब तक जो बालक ये बात समझते हैं, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स का वन इंटू साइन एक्स, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आसान आसान बातें कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मैं आपसे तेज बातें अभी नहीं करूंगा, जब मैं करूंगा तो मैं आपको पता ही ना मैं अगली बॉल पे आपको शॉर्ट दे सकता हूं कभी भी, ठीक, मेरे को देना नहीं, मैं पहले सिखा लूं फिर अब बात करते हैं। अब ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो पॉइंट नंबर चार पे आ रहा हूं, सही है, क्वोशेंट रूल के बाद नेक्स्ट वन इज चेन रूल, राइट है भाई। अब ये चेन रूल क्या चीज है, आइए बात करते हैं, ठीक है ना। चेन रूल कहता है कि अगर y इज इक्वल टू f ऑफ u, इसे बोलते हैं y अगर u का फंक्शन है, y अगर u का फंक्शन है एंड x इज इक्वल टू g ऑफ u और g भी u का फंक्शन है, देन dy/dx कैन बी फाइंड आउट बाय चेन रूल, तब डीवाई एक्स हम लोग चेन रूल से निकालेंगे। क्या मतलब सर, डीवाई एक्स चेन रूल से निकालेंगे, इसका चेन रूल से क्या लेना देना, ठीक है, अरे दिमाग लगा, देख तेरे पास में x और y दो वेरिएबल हैं, लेकिन ध्यान से देख तीन वेरिएबल हैं, x और y दोनों u पे डिपेंड करते हैं, इसका मतलब तीसरा वेरिएबल u है, समझ में आया, और तेरे को डिफरेंशिएट करते समय डीवाई एक्स करना है, मन एक वेरिएबल को उड़ा देना है, ठीक है ना, और इसको उड़ाने का तरीका ही चेन रूल है,
सीधी बात, अगर मुद्दे की बात बताऊं करना क्या है वो सुनो, इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई du, क्यों, क्योंकि आप u के फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डायरेक्ट, पहले u के रेस्पेक्ट में करो, तो आप जैसे dy बाई du करोगे ठीक है, ये f डैश u बन जाएगा, बन जान देना, बात समझ में आई, फिर आप क्या करो इसका ठीक है ना, x का भी u के रेस्पेक्ट में करके रख लो dx by du, क्या आप ये बात समझ गए, ये बन गया g डैश u, कहानी पकड़ में आ गई नहीं आई, अब जैसे आपका dy by du और dx by du बन जाए, dx by du इसको क्लियर लिख लो है ना भाई, अब आप dy by dx के बारे में सोचो, क्या आप ये समझते हो कि dy by dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझना देखो, dy में जो dx है उसको कहा सरक, ये सरका, ये यहां पहुंचा और आपने क्या किया खटखट du du भर दिए, नहीं आया समझ में, इसमें dx को सरकाया, यहां खाली हुई पोस्ट, du du लिख दिया खटखट, आया, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो सोच के जवाब देना क्या आपके पास dy du पड़ा है, yes, क्या आपके पास में du by dx पड़ा है, yes, कहां है du by dx, ये तो dx by du है, इसका उल्टा कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बस यूज इट है ना, दैट इज चेन रूल है ना, एंड दिस इज चेन रूल, ये है चेन रूल ठीक है, अच्छा ये तो वो कैसा चेन रूल है, ये चेन रूल वो है तो बुकिश है, पहले तो बुक्स वाला सिखाया, अब मैं आपको बेसिक चेन रूल दिखाता हूं, चेन रूल क्या है वो सुनो आप, वो नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको देखो आप जरा, इसको भी समझाता हूं, रेडी, देखो चेन रूल एक्चुअल क्या है, चेन रूल कहता है कि अगर कल को आपके पास में एफ में जी में एच में थीटा है, सही है भाई, और आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, आओ जरा चेन रूल सही वाला देखें, ठीक है ना, अब इसको सुनो, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते समय हमेशा पहले आदमी का डिफरेंशिएशन होगा, पहला जो सबसे पहले पढ़ेगा उसका होगा, बाकी लोग चुप बैठेंगे, देखो एफ सबसे पहले पढ़ा, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश जी एच थीटा, ये लोग चुपचाप बैठ गए, पकड़ में आया, फिर किसका होगा, फिर जी का होगा, तब तक उसके अंदर वाले लोग चुपचाप बैठेंगे, जी का डिफरेंशिएशन जी डैश एच थीटा, फिर क्या होगा, फिर एच का डेरिवेटिव होगा एच डैश थीटा, फिर थीटा चुपचाप बैठेगा, और फिर थीटा का डी थीटा बाय डी एक्स, क्या आपने एक एक आदमी का डिफरेंशिएशन करा, दिस इज चेन रूल, एक एक करके खुलती है चेन, बात समझ में आई आपको, ऐसे एक एक स्टेप खुलता है, दिस इज बेसिक चेन रूल जो हमारे यूज में आएगा, पकड़ में आ गया ठीक है, चले आगे, यहां पे कहां किया ना डी वाई डी एक्स का रेशो, मैंने क्या किया डी वाई डी एक्स को डेल एक्स और डेल वाई में लिखा, अलग अलग करा बीच में डी यू डी यू डेल यू डेल यू भर दिया, बस क्वेश्चन हो गया, इफ वाई इज इक्वल टू एफ यू एंड एक्स इज इक्वल टू जी यू देन डी वाई डी एक्स कैन बी फाइंड आउट बाई चेन रूल, ठीक है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश यू एंड डी एक्स बाई डी यू इज इक्वल टू जी डैश यू, और फिर डी डी एक्स के अंदर ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है ना, अपने को दोनों पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना, अपने को दोनों पे पकड़ होनी चाहिए, अपने को पता नहीं होना चाहिए कौन चेन रूल, अपने को दिखना चाहिए ये यू का फंक्शन, ये यू का फंक्शन, ऐसा सर ने बताया था, पहले यू में रेस्पेक्ट में करो फिर कर लेंगे जो करना है, ठीक है, अगर आपने ये तीन बातें और पकड़ ली तो आप आगे चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, रेडी है ना, अगर ये आ गया तो इसके बाद में पॉइंट नंबर फाइव पे आ जाएगा, सही है, d अपॉन डी एक्स ऑफ f प्लस माइनस g, अगर दो फंक्शन आपस में जुड़ के आ जाए तो सर कौन सा रूल लगता है, एडिशन रूल, नहीं कुछ नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं है ना, f और g अगर प्लस में है तो f का डिफरेंशिएशन f डैश और g का डिफरेंशिएशन g डैश, और बीच में प्लस माइनस जो चल रहा है वो चलता रहेगा, नहीं यही कहानी पकड़ में, इसको जरा समझना है तो ऐसे खड़क से क्वेश्चन बता देता हूं, मान लो मेरे को एक क्वेश्चन में दे रखा है e की पावर x प्लस साइन x, सही है भाई, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं e की पावर x का e की पावर x और साइन x का, बस हो गया ना, प्लस की जगह प्लस चला, लेकिन यही अगर इंटू होता तो प्रोडक्ट रूल लगता, प्रोडक्ट रूल में पहले क्या करता, एक को साइलेंट दूसरे का, फिर दूसरे को साइलेंट पहले का, नहीं है ना, चलिए अच्छा, क्या एक बच्चा ऐसा भी सोच रहा है कि उसके दिमाग में शैतानी आई थी सर, कि मैं ये सोच रहा था कि इसको e की पावर x इंटू साइन x की पावर माइनस वन लिख दूं,
बिल्कुल आप इसमें यू डॉट वी लगा के भी कर सकते थे, ठीक है ना। आप में से किसी को अगर पता हो तो जरा सोचना, साइन एक्स की पावर माइनस वन को इनटू के अंदर वन अपॉन साइन एक्स लिख दूं, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ध्यान से सोचना, याद है, एक मिनट, क्या आप समझ पाएंगे, थोड़ा आगे की चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। आगे की चीज ये है कि हमेशा डिफरेंशिएशन पहले शक्ल का होता है फिर फंक्शन का, शक्ल का, शक्ल का, ठीक है, जरा देखिएगा, है ना। e की पावर x साइलेंट, e की पावर x साइलेंट, ठीक है ना। वन अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं, वन अपॉन साइन एक्स वन अपॉन एक्स जैसा, और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या आपको ये बात पकड़ में आई? ये तो हुआ शक्ल का, इसमें साइन का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, वन अपॉन एक्स जैसी शक्ल का डिफरेंशिएशन हुआ, नहीं यही बात समझ में। फिर इनटू, फिर रुको, पहले हुआ शक्ल का फिर फंक्शन का, ये बोला था मैंने आपको, तो पहले शक्ल का माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स, क्या आप ये बात पकड़ गए? फिर अगली बार कौन होगा? वन अपॉन साइन एक्स साइलेंट, क्या आप ये बात पकड़ रहे? अब ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, क्या कोई भी समझदार बालक ये जानता है कि नीचे का एलसीएम साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा? क्या आपको वापिस साइन स्क्वायर एक्स मिल रहा है? ठीक है, ऊपर माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स मिल रहा है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स की वजह से इधर एक साइन एक्स और आएगा, तो ई की पावर एक्स इनटू साइन एक्स मिल रहा है। तो क्या प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल एक ही जगह पहुंचाते हैं? एग्जैक्टली एक ही जगह पहुंचाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता चुन लिया, सही है ना भाई? मैं यही बात समझ में अभी तो आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा तो, ठीक है। अब अपने को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उसका नाम है, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, इसे कुछ लोग लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, मैं छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसे रैपिड फायर रहा हूं, ठीक है। डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव बोले तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डी ओवर डी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोले तो डी ओवर डी एक्स। अच्छा, एफ डैश एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स डी ओवर डी एक्स। अच्छा, डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स। प्रॉपर वे टू कॉल डी ओवर डी एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई वाई, सॉरी, है ना, मैं गलत मैं ही बोल गया। चलिए, अगर ये छोटी छोटी बातें आ गई तो देखें, अब की बार मैं इधर की तरफ फंक्शन लिखूंगा और सामने उनका डेरिवेटिव, क्या आप ये पकड़ जाएंगे? आप में से कितने लोग जानते हैं एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव? एन एक्स की पावर कहां से आया होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल। अरे, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं आया? कितने लोग खट से नहीं दिमाग में पहुंचा गए एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एच? फर्स्ट प्रिंसिपल का चौथा स्टेप सीधा लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो पे ले आया। सोचने में आ गया? किसी को एक्स की पावर एन कॉमन आता दिख गया? जल्दी से बताएं, एक्स की पावर एन टोटल में से कॉमन आता दिखा या इसमें से? अंदर क्या छूट रहा है? वन प्लस एच बाई एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में कितना एच। कितने लोगों को लगता है कि सर इस पर बीटी लगा दू? बीटी लगाते ही याद है इन दोनों की मल्टीप्लाई, वन वन सठ सठ, बचा एन एच अपॉन एक्स, एच से एच कट गया, एन बाहर आ गया है और इस एक्स की वजह से एक्स की पावर प्रूफ हो गया है। नहीं आया? थोड़ा तेज चला सकता हूं ना, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल आपके काम का नहीं है, लेकिन मुझे बताना तो सब है ना, बीच बीच में कभी कभी ऐसे बता सकता हूं मैं छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। याद है बीटी ये भूल गए थे? याद है ना, हाँ, क्योंकि कल तक परसों तक याद रखना है, है ना। अच्छा, एक्स की पावर एन हो गया। अच्छा, छोटी सी बात बताइए, वन अपॉन एक्स का बोलिए साहब, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से सुनना जो मैं सिखा रहा हूं, वन अपॉन एक्स की पावर सेवन का सुनना, वन अपॉन एक्स की पावर सेवन का मतलब होता है एक्स की पावर माइनस सात, एक्स की पावर माइनस सेवन का, एक्स की पावर एन की जगह, एन की जगह कितना है? माइनस सेवन। याद है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन बोले तो माइनस सात, एक्स की पावर माइनस सेवन माइनस वन। नहीं आया समझ में? एन एक्स की पावर एन माइनस वन,
तो ये बन गया माइनस सात बटा एक्स की पावर आठ। अभी भी पकड़ में आया? अब आगे ये नहीं करना है, बस हो गया, क्योंकि अब आपको थोड़ा तो एडवांस खेलो भाई, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत है, ठीक है। आगे क्या करना है वो बता रहा हूं भाई, तरीका क्या है, तरीका ये है जो डिग्री है उसे माइनस के साथ ऊपर कॉपी कर दो और नीचे एक डिग्री बढ़ा दो। नहीं समझ में आया, जल्दी से सोच के जवाब देना कि 1/(x^23) का डिफरेंशिएशन -23/(x^24). पकड़ में आ गई बात, इतना सिंपल है। अगर आपको ये पकड़ में आ गया तो अगले पे आ जाता हूं, ठीक है ना भाई। 1/(x) वगैरह नहीं आया समझ में, है ना। अच्छा अगले पे आ जाओ, क्यों, क्योंकि लोग x की पावर n लिखाने के बाद ये नहीं लिखाते, क्योंकि इन्हीं की जरूरत है, हमारे लिए यही चल रहा है सब कुछ, खटखट 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 पिरो रहा हूं एक के बाद एक, ठीक है। अगला जो काम की चीज है वो है रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/(2)√(x). पकड़ में आ गया? नहीं आया, ठीक है। ये दो तीन ऐसी चीजें ना जो डायरेक्ट यूज आएंगी, इसलिए मेरे लिए इनका लिखना बहुत जरूरी है कि मैं इन पे बात करता चलूं, ठीक है ना भाई। अच्छा अगर आपने यहां तक लिख लिया तो ये तो x की पावर n ही चल रहा है अब तक, x की पावर n के बाद अगला टाइटल मैं उठा रहा हूं, ठीक है ना, lnx, ठीक है ना भाई। lnx का मतलब सुनो, पहले ऐसा नहीं, मेरे को बहुत काम की बातें करनी है आपसे, एक बात पे दिमाग लड़ाना है अपने को। lnx का मतलब log x base e, अगर log x base 10 पूछ ले तो डिफरेंशिएशन 1/(x) नहीं बोलना, ऐसा नहीं कि log देखते ही बोल पढ़ना है, वो अलग है खेल, log x base e का ही 1/(x) बोलना है, ठीक है ना भाई। मेरे को बोलते रहने देना इसी छोटी छोटी बातें, मैं भूल जाऊंगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्या मैं आपको बताऊं कि बाजू में अगर किसी ने x ग्रेटर देन 0 लिख दिया तो उसने पाप नहीं किया? क्यों, क्यों लिख दिया भाई? अरे log x अपने डोमेन में जिएगा तो डिफरेंशिएशन कराएगा ना, कहानी पकड़ में तो आई गई होगी। अच्छा अगला पॉइंट, कितने लोगों को अभी भी याद है कि पहले डिफरेंशिएशन शक्ल का फिर फंक्शन का, याद आ गया? अच्छा अगर ये सब भी याद आता जा रहा है तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातें करते करते आगे बढ़ रहे हैं। e की पावर x का, e की पावर x, बड़े ध्यान से एक एक बात सुनिएगा, e की पावर x का पहले बता चुका हूं, कोई हाथ खड़ा करके बताए तो अच्छा लगेगा, किसी को अगर याद हो तो बोलो। चलो ये बोल रहा है e की पावर x ln a, किसी की याददाश्त अगर इसका समर्थन कर रही है तो बोलिए। सही है क्या भाई? कहीं हमारी बातचीत हमारी इस पे हो चुकी है, जिन्हें नहीं याद है वो धीरे धीरे याद करते जाएं। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एलन ए, ठीक है ना। तब तक अपन आजू बाजू दो चार पत्थर भी मारी है। चलिए साहब आपको याद दिलाता हूं 2^(x) का डिफरेंशिएशन 2^(x)ln 2, ऐसा फार्मूला मुझे कह रहा है, क्योंकि ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एलन ए। तो मैं आपको लगे आता हूं ये भी याद दिला दूं कि 2^(-x) का 2^-xln 2 और फिर -x का -1। सही है, पहले शक्ल का, क्योंकि शक्ल एक ही पार एक जैसी थी, फिर अंदर वाले फंक्शन का। तो सर फंक्शन ये 2 नहीं है क्या? 2 कांस्टेंट है, नहीं है, फंक्शन तो x है। अच्छा अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई तो आगे सुनो, 2^(x/2) का 2^(x/2) ln 2 और x/2 का 1/2। सही है, ये सब क्या हो रहा है सर? इसे चेन रूल कहते हैं, ये चेन रूल है। कैसे सर चेन रूल? कैसे? ऐसे चेन रूल है क्योंकि आपने आखिरी x तक पीछा किया, अगर वो x नहीं था तो आपने x/2 के कारण 1/2 लगाया, x में कुछ नहीं बोला, अगर बोलते तो क्या बोलते x का 1। नहीं आया समझ में? याद है d θ/dx आखिरी आदमी तक पीछा हुआ था। अब आप में से कोई मेरे को सोच के जवाब दे दे, 2^(1−x) का कौन बोलेगा? ये बोलने की चीज है, ऐसा बोलना है, आप सारे बोलोगे नहीं, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, इसमें हर एक किसी की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। हाँ बोलो, चलो बोलता जाओ बेटा। और 1−x का, अब मेरे को कौन बोलेगा 2^(sin x) का? क्या इसके अड़ोस पड़ोस में कोई बोलेगा 2^(sin x) का? वो बोलो भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंटो यहां तक की बात पकड़ में आ गई, सही भाई। अच्छा तब तक मेरे को बताओ कि अगर मैंने 1/, या यू पूछ लेता हूं कि अंडर रूट में, ठीक है ना,
अंडर रूट में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा होता तो इसकी शक्ल है रूट एक्स जैसी, पहले किसका होगा? तो कैसे लिखोगे इसे? 1/2 रूट साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, ऊपर होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर ही होता है, नहीं आया? ये नहीं कि नीचे चिपका दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो फिर क्या होता है, डिजास्टर हो जाएगा कि सर ने आपने बोला ही नहीं था, मैंने सब डाल दिया, गैस जलाना भूल गई, है ना, वो आपने बोला ही नहीं था, गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं पानी ये करो वो करो, इसको मिलाया इसको हिलाया, ये करा वो, उधर से काट के लाए डाल दिया, सब कुछ करने का, धुआं नहीं निकल रहा, क्यों? गैस नहीं जला, अरे बोला नहीं था ना, ये बोलना पड़ता है हमें, आया समझ में? आज मेरे से किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त था, किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि ऐसे ही 10 की जगह 11 हो जाए, है ना, 45 की जगह 46 हो जाए, कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, मेरे दिमाग में, मैं उसको कैसे समझाऊंगी, बेटा ऐसे मन के लड्डू नहीं फोड़ते, तो मैंने उसे समझाया, ठीक है, मतलब आपको भी समझा देता हूं, जैसे कई बार हमारे मन में आता है ना कि ऐसा हो जाता तो क्या कर लेते, ठीक है, छुपन छुपाई के लिए आपने, है ना, जिसे हम लोग अंग्रेज दुनिया वाले लोग हाइड एंड सीक कहते हैं, ठीक है ना, बोलते समय ऐसे मुंह फैल जाता है ना कि मन ही नहीं करता खेलने का, तू तो बोल ले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाइड एंड सीक, ठीक है, अब आप इसमें दिमाग लगाओ कि जो छुपन छुपाई खेलते हैं ना, तो उसमें क्या है, अगर सोचोगे अगर भाई दबे छुपने वाला आपका कोई भाई बंद दोस्त जो है, या कि नहीं, जैसे आप आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनना चालू करो ना, वो यहीं लेट जाए तो आप उठ के मिला के तो पागल है क्या? सही है कि नहीं? ये क्या तरीका है, ये कुछ छुपना हुआ क्या? क्यों, इसमें क्या बुराई, बुराई तो नहीं है ना, यहीं लेटने में क्या बुराई है? लेकिन अगर वो तो कहेगा, अगर भाई तो कोई आपका कोई दोस्त दोस्त ऐसा पागल जैसा दोस्त है जो कहेगा जिंदगी भर के लिए हराऊंगा देखना तेरे को, ऐसा आप 12 माले की बिल्डिंग में आप ये खेल रहे हो, पता चला माले से कूद गया, लेकिन ढूंढ के दिखा तू मुझे, क्योंकि नीचे भी मिलेगा तो कौन सा मुझे आउट कर पाएगा, मैं हाँ तो बोलूंगा ही नहीं ना, ठीक है, तो यार ये दो तरह का एग्जाम्पल है, इतना हल्का भी क्वेश्चन नहीं बनाते कि यही लेटा हुआ मिला, और ऐसा भी नहीं बनाते भाई कूद ही गया, पजल है पजल भाई, मैं छुपता हूं आप ढूंढो, इसमें कुछ हमने छुपा दिया है, आप इसे सर्च करके सर्च करो, ये छुपम छुपाई का गेम है यार, आपका दिमाग तेज है तो ढूंढ लो, नहीं आया समझ में, आपने आर पार ही खेल लिया, ठीक है, एक ही बार एक्स के बाद में अगला, आप में सबको पता होगा साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कितने लोगों को पता है टेन एक्स का, ये सुनना है मेरे को, sec स्क्वायर एक्स, अच्छा कितने लोगों को कॉटेक्स का भी पता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सही भाई, कॉटेक्स के बाद अगला कॉसेक एक्स ले लो भाई, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉटेक्स, वेरी वेरी गुड, अगर किसी को sec x का भी याद हो तो बहुत अच्छा लगेगा, sec x का sec x tan x, क्या आप ये बात पकड़ गए, sec x tan x, यहां तक की बात समझ में आ गई, अच्छा sec x tan x के बाद अगला एंड द लास्ट, बस फ्यू बचे कुछ छोटे छोटे से, ठीक है भाई, हाँ भाई अगला, ये तो हुआ हमारी सीरीज का, मतलब साइन कॉस टेन कॉट साइन, ऐसे बस आपको याद होने चाहिए इसका ये बोलना है इसका, अच्छा कुछ लोग ऐसी फर्जी बातें भी मैं भी कर सकता हूँ, जैसे जितने भी आंसर सी में आते हैं ना वो हमेशा माइनस के साथ आते हैं, ठीक है ना, जैसे साइन एक्स का है ना कॉस एक्स, सही क्या भाई, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, क्या ये बात सही है क्या, वाकई में जिम का भी नाम सी से चालू हुआ, उनका डेरिवेटिव माइनस से आया, है ना, अब ये फर्जी फर्जी बातें, सही बताएं तो, है ना, अच्छा काम की बात, तो भाई एक और बात, क्या आपको ये ध्यान है कि साइन इनवर्स एक्स का सिखा चुका हूं मैं, याद है आपको, 1/√ कॉस इनवर्स एक्स का -1/√ 1 - x² tan इनवर्स x का 1/√ नहीं 1/1+x² cot इनवर्स x का -1/1+x² इन द लास्ट कुछ चल रहे हैं जो cot के बाद अगला आएगा cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का 1/-1/x का mod, अरे क्या दूसरी वाली है क्या, गुड yes, इसके बाद कौन आने वाला है, मेरी है क्या, अच्छा चलो